दोस्तों आज हमारे पास आ चुका है Redmi Note 9, यहाँ पर ब्रांड न्यू फोन Redmi के द्वारा, और आज हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, फर्स्ट लुक दिखाएंगे और बताएंगे इस फोन के बारे में। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। अमेज़न द्वारा हमें ये कूलर आ चुका है और सबसे पहले हम इसको सैनिटाइज करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं सैनिटाइज हो रहा है। अब हम इसे ओपन करते हैं, तो सबसे पहले अमेज़न द्वारा जो यहाँ पर पन्नी लगाई गई है उसको हम फाड़ लेते हैं। जैसे हमारा ये देखिए ब्रांड न्यू फोन निकला MI नोट 9, ये यहाँ पर बिल भी दिया गया है साथ में, तो बिल को रख देते हैं साइड में और निकालते हैं अपना बॉक्स फोन का। तो ये देखिए Redmi Note 9 यहाँ पर हमें मिल चुका है, आज इसके अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे इसके फीचर्स। तो फ्रेंड्स अगर हम बॉक्स को देखें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें कि ऊपर से नंबर 1 इंडिया की ब्रांडिंग दी गई है यहाँ पर, इंडिया नंबर 1 फोन करके। तो ये Redmi भी यही लिखता है अपने बॉक्स में और यहाँ पर Realme भी यही लिखता है, और बैक साइड से देखें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है बॉक्स, यहाँ पर मेड इन इंडिया रेड कलर पर लिखा गया है, और अगर हम साइड में देखें तो यहाँ पर भी मेड इन इंडिया लिखा गया है। तो दोस्तों यह मेड इन इंडिया करके ही देते हैं Redmi वाले अपना फ़ोन, असेंबल होता है तो यहाँ पर सारा सामान तो चाइना से ही आता है। और अगर बॉक्स के बैक की साइड बात करें तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, उसके फीचर्स वगैरह यहाँ पर लिखे गए हैं बॉक्स में। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस फ़ोन की। बॉक्स में दो सील दी गई हैं, उसको हम काट लेते हैं चाकू से, और यहाँ पर दोनों सील हमने काट ली है। अब हम इस बॉक्स को खोल के देखेंगे कि अंदर से क्या क्या इस बॉक्स में निकलता है। तो हमने ओपन करा ये Redmi Note 9 का बॉक्स, तो सबसे ऊपर हमें वाइट केस देखने को मिला, जैसे कि आजकल हर फोनों में देखने को मिलता है। तो इस केस के अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दी गई हैं। तो इसमें एक जानकारी के लिए कुछ कागज़ और एक बैक कवर दिया गया है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग यहाँ पर दिया गया है ताकि फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए, और कुछ हल्का ही है, ठीक ही है। बाकी चीज़ें देखते हैं तो इसमें एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है और कुछ काम के जानकारियाँ वाले कागज़। अब अगर फ़ोन को हम निकालते हैं यहाँ पर डब्बे से और देख लेते हैं इसका फर्स्ट लुक कैसा है। तो हमने एक जो है ग्रीन कलर ऑर्डर करा था यहाँ पर, एक्वा ग्रीन, तो यह हमने निकाल दिया है देखिए पन्नी से बाहर, और अब आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यह देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रंट साइड की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है, और बैक साइड से देखें तो ऐसा शाइनी लुक यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्वा ग्रीन कलर हमने मंगाया था, बिल्कुल ग्रीन तो नहीं है ये दिखने में, लेकिन मतलब शाइनी कलर है, बिल्कुल ग्लास लगा के दिया गया है। फ्रंट में भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है, और बैक साइड में आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिंगरप्रिंट उसमें लग जाते हैं, दिखने में तो बहुत ही प्रीमियम फ़ोन दिखता है। साइड से अगर हम देखें तो पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन दिए गए हैं, ऊपर की तरफ देखें तो एक एयर ब्लास्टर दिया गया है, सेकेंडरी माइक दिया गया है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और लेफ्ट साइड में देखें तो हम यहाँ पर सिम ट्रे दी गई है, नीचे की तरफ देखें तो एक हेडफोन जैक दिया गया है, एक यहाँ पर माइक्रोफोन, एक USB पोर्ट, और यहाँ पर इस पर स्पीकर के ग्रिल दिए गए हैं। यही चीज़ दी गई है इस फ़ोन में। बाकी फ्रंट में यहाँ पर देखें तो एक ग्लास भी दिया गया है, वहीं से कंपनी से लगा हुआ है प्रोडक्शन के लिए, कंपनी का कहना है कि गोरिल्ला ग्लास है इसमें। और पीछे कैमरे के अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, स्क्वायर शेप में क्वाड रियर कैमरा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी के नीचे वहाँ पर फिंगरप्रिंट दिया गया है, नीचे Redmi की ब्रांडिंग है, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है फ़ोन। इसको हम बूट करने के लिए लगा देते हैं, तब तक हम बॉक्स में देखेंगे बाकी और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब तक फ़ोन बूट होता है तब तक बाकी सामान देख लेते हैं। यहाँ पर एक चार्जर और केबल दी गई है, केबल देखें तो USB-C टाइप केबल दी गई है, जी हाँ USB टाइप सी अब तो सभी फ़ोन देने लगे हैं। और यहाँ पर चार्जर देखें तो यह चार्जर दिया गया है, तो यहाँ पर 22 का यहाँ पर फास्ट चार्जर है 22 वॉट का, और यहाँ पर बॉक्स में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ भी फ़ोन को लास्ट यहाँ पर फिनिश देते हैं और बूट कर लेते हैं। यहाँ पर MIUI 11 दी गई है फ़ोन पे, जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा स्क्रीन पे, और इसको लास्ट बूट कर लेते हैं यहाँ पर फाइनल के लिए, फाइनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर MIUI 11 देखने को मिलेगी इसमें भी Android 10 के साथ।
10 सेकंड बोल रहा है बस, फिर रिबूट हो जाता है। यहाँ पर कैमरा अगर आप देखें फ्रंट का, तो साइड में एक होल दिया है, यहाँ पर पंच होल उसी पे यहाँ पर दिया गया है। तो आजकल नया ट्रेंड यही आ गया है फ़ोनों में। अब यह देखिए हमारा फ़ोन शुरू हो चुका है और इसमें हम देखते हैं कोई चाइनीज ऐप तो नहीं देखने को मिलती है। जी नहीं, यह Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर Redmi ने, कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर को फॉलो करा है और एक भी चाइनीज ऐप यहाँ पर डाल के नहीं दी है। कोई भी जो भी यहाँ पर बैन हुई है इंडिया में, जैसे टिकटॉक हो गया, हेलो हो गया, अभी तक हम देख रहे थे कोई जो भी फ़ोन हमने अभी तक यहाँ पर अनबॉक्स करे सब में हमें देखने को मिली थी। लेकिन यह नया फ़ोन जो है इसमें गवर्नमेंट के ऑर्डर को जरूर फॉलो किया है। तो कैमरा सैंपल की बात कर लेते हैं। कैमरा अगर हम देखेंगे पहले, तो कैमरा में क्या क्या मोड दिए गए हैं वो पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर। और तो कैमरा में देखते हैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस, फोटो 48 मेगापिक्सल, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, और यहाँ पर पैनोरामा मोड और एक प्रो मोड जो कि आपको मैनुअली फ़ोटो खींचने का यहाँ पर एक्सपीरियंस देगा। तो ये सारे मोड दिए गए हैं यहाँ पर। कैमरा सैंपल देखें तो शॉट आपके लिए लिए गए हैं। तो कैमरा सैंपल हमने आपको दिखाए हैं। कैमरा हमें काफ़ी पसंद आया इस फ़ोन का, काफ़ी हद तक सही है इस प्राइस रेंज में। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया काम करा है यहाँ पर MI ने, Redmi ने। अभी देखते हैं बाकी फीचर्स इसके और क्या है इसमें। सेटिंग इंटरफेस देखें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है MIUI 11 में, और टच भी काफ़ी स्मूथ है इस फ़ोन का। डिज़ाइन की अगर बात करें तो लगभग सारे के सारे फ़ोन एक दूसरे से मैच ही करते हैं यहाँ पर। Redmi Note 9, Redmi Note Pro Max, यहाँ पर Poco M2 Pro, सारे एक ही जैसे हैं। कैमरा की बात करें तो 48+8+2+2 यहाँ पर दिया गया है रियर साइड में, और सेल्फी की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है इस फ़ोन में। उनके साथ आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। 9 वाट की यहाँ पर रिवर्स चार्जिंग भी दी गई है, जिससे कि आज आप अपने दूसरे डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं इस फ़ोन के द्वारा। इसको एज ए आप पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 5020 mAh की यहाँ पर बड़ी बैटरी दी गई है। डिस्प्ले देखें तो 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है डॉट डिस्प्ले के साथ। फ़ोन में हीलियो G85 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। अब इसके एंटीटू स्कोर की बात करें तो 2,09,956 यहाँ पर आया है परफॉर्मेंस। इसमें आप 2 SIM एक मेमोरी कार्ड यहाँ पर एक ही साथ यूज़ कर सकते हैं, और कंपनी का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 दिया है, बस प्लस प्रूफ है ये फ़ोन। 5mm का हेडफोन जैक, USB Type-C और IR रिमोट यहाँ पर दिया गया है। तो यही कुछ फीचर्स थे जो हमने आपको बताए और फ़ोन की अनबॉक्सिंग करी और फर्स्ट इंप्रेशन देखा इस फ़ोन का। फ़ोन देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, और शेयर करें अपने दोस्तों के। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन का